नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में। राजस्थान बजट 2018 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में आने वाली सभी वैकेंसीज की घोषणा की और पदों की संख्या सहित उन्होंने ये घोषणा की। और कल से लेकर आज तक हमने जो राजस्थान में वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी भर्तियों के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड किया, जिससे सभी विद्यार्थियों को जो वैकेंसीज आने वाली है राजस्थान में उनकी सही से जानकारी मिल सके। और कल से लेकर आज तक हमने लगभग 4 से 5 वीडियो भर्तियों से जुड़े हुए उस भर्ती की सेपरेट जानकारी वीडियो में दी है, जिससे विद्यार्थियों को सही से भर्ती की जानकारी क्लियर हो सके। और इस वीडियो में हम आपको बजट में जो घोषणा की गई है उसमें कांस्टेबल के 1161 पद और साथ ही फॉरेस्ट गार्ड के 2500 पदों की भी घोषणा की गई है। और ये वैकेंसी भी आने वाले समय में इनके भी आवेदन मांगे जाएंगे और उसी से जुड़ी हुई जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही सभी विभागों में जो वैकेंसी आने वाली है उन सभी की जानकारी इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो हम उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस विभाग में कितनी भर्तियां, इन दो वैकेंसीज जानकारी हमने अभी तक आपको नहीं दी थी, जिसमें कल के 1161 पद हैं। मेवाड़ भील कोर में कांस्टेबल के 1161 पदों पर भी वैकेंसी आने वाली है और साथ ही फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड के 2500 पदों पर भी भर्ती आने वाली है। और बाकी के जो विभाग हैं उन सभी की जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, फिर भी एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। शिक्षा विभाग में 77100 पदों पर भर्ती आने वाली है। गृह विभाग में 5718, प्रशासनिक सुधार विभाग में 11930 पदों पर, स्वास्थ्य विभाग में 6571 पदों पर, नर्सिंग ट्रेनिंग टीचर 1000 पद, नर्स ग्रेड द्वितीय 4514 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5558 पदों पर और पटवारी की भी वैकेंसी 2000 पदों पर आने वाली है। और इससे संबंधित जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो ये सभी विभाग आप देख सकते हैं, तो ये वैकेंसी राजस्थान में आने वाली हैं देख सकते हैं। डीएल्स और बाकी भी चुनावी बजट में कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की है। फोकस किसानों और युवाओं पर, चिकित्सा से लेकर पुलिस विभाग तक को सौगात। और आप देख सकते हैं बजट में सरकार ने युवाओं को 1,08,000 नौकरियां देने का वादा किया है, वह भी इसी साल होने वाले चुनाव से पहले दिसंबर तक। पिछले आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने दावा किया कि पिछले 4 साल में 1,50,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई। दिसंबर तक की जाने वाली भर्तियों में करीब 70,000 पदों के साथ सबसे बड़ी संख्या शिक्षा विभाग में रहने का दावा किया है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं, सहकारी बैंकों में लघु एवं सीमांत किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ़ होंगे, ये एक किसान के लिए एक ये बड़ी घोषणा है। और इसी के साथ सिपाही से इंस्पेक्टर तक को समान मासिक मेस भत्ता मिलेगा, भत्ता भी 400 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। और राजस्थान में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है उनमें भी ये भत्ता बढ़ेगा आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मेवाड़ भील कोर बटालियन में होगी 1661 सिपाहियों की होगी भर्ती, ये न्यूज़ भी आप देख सकते हैं। और बाकी के नौकरियों के अपडेट्स ऑलरेडी हमने आपको दे दिए हैं कल से लेकर आज तक, तो उन भर्तियों की जानकारी आप प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।